दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सऊदी प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट में जो भाई मेरे इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं तो उनसे एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन किया जाएगा। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज का वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका दोस्त राज और आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो में बहुत बहुत स्वागत है। जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पर तो उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इस तरह से यूजफुल टॉपिक पे वीडियो बनाते रहता हूं। आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो ये जो क्वेश्चन है मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूं कि सीधा मैं एग्जाम हॉल से आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। इसलिए आप भी जानते हैं दोस्तों कि एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल से फोटो खींचना या मोबाइल से वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो जो मैं आज क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ मैं कुछ अपने दोस्तों के हेल्प लिया है, ये सभी जाके एग्ज़ाम दे चुके हैं और ऊपर वाले की मेहरबानी से वो सब पास भी कर गए हैं। तो इन सारे दोस्तों की मदद से मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन जो है इंटरनेट से सर्च करके निकाला हूँ ताकि मैं आपको कुछ हिंट्स दे सकूँ कि आपके सामने इस तरह क्वेश्चन रहा है। लेकिन इतना जरूर मान के चलिए दोस्तों कि मैं आज जो क्वेश्चन बताऊँगा सेम टू सेम तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत हद तक का इसी तरह से क्वेश्चन आपका पास में मिलेगा। क्वेश्चन जो इस टाइप से रहेगा कि एमसीबी का अर्थ क्या होता है, ठीक है, मतलब एमसीबी का क्या मतलब है। तो आपके सामने इस तरह का चार ऑप्शंस रहेगा, पहला है माइक्रो सर्किट ब्रेकर, दूसरा है मिली करंट ब्रेकर, तीसरा है मिनी सर्किट ब्रेकर और चौथा है मेन सर्किट ब्रेकर, ठीक। तो इसका आंसर जो है दोस्तों होगा मिनी सर्किट ब्रेकर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ छत में कंड्यूट कब यूज़ करते हैं, प्लास्टर होने से पहले, प्लास्टर होने के बाद डालते हैं, या लेंटर पड़ने से पहले डालते हैं, या लेंटर पड़ने के बाद डालते हैं, ठीक है। तो इसका आपको आंसर देना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा है दोस्तों कि अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है या हरा होता है, ठीक है। जनरली सबको मालूम है कि अर्थ वायर का जो वायर का रंग जो होता है वो हरा होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी के वायरिंग में कौन सा स्विच प्रयोग करते हैं। ओके, तो इसमें दिया गया ऑप्शंस में आपको टम्बलर स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, टू वे स्विच, आईसीडीपी स्विच। ओके, तो इसका आंसर होगा दोस्तों टू वे स्विच। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपको सामने इस तरह का रहेगा दोस्तों, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच क्या नियंत्रण करते हैं, ठीक है। एक तार से कनेक्शन को एक अवस्था में, एक तार के कनेक्शन को दो अवस्था में, एक तार के कनेक्शन को तीन अवस्था में, या एक तार के कनेक्शन को चार अवस्था में। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों एक तार के कनेक्शन को दो अवस्था में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों टू वे सिंगल पोल नियंत्रण करते हैं, एक तार के कनेक्शन को एक अवस्था में, या दो अवस्था में, या तीन अवस्था में, या चार अवस्था में, ठीक है। तो इसका भी आंसर होगा दोस्तों एक तार के कनेक्शन को दो अवस्था में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वन वे स्विच क्या नियंत्रण करता है, एक तार के कनेक्शन को एक अवस्था में, एक तार के कनेक्शन के दो अवस्था में, ठीक है, तीन अवस्था में, चार अवस्था में। तो आपका आंसर होना चाहिए एक तार के कनेक्शन को एक अवस्था में। फिर इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों घरेलू वायरिंग संसाधन में पंखे और लाइटिंग, घरेलू वायरिंग संसाधन में पंखे और लाइट जोड़े जाते हैं, किसमें जोड़े जाते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, दोनों में या तीनों में, ठीक है। तो हम लोग का आंसर होगा पैरेलल में, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन रहेगा स्विच को सदैव तार पर लगाते हैं, मतलब कि जो स्विच जो हम लगाते हैं किस तार पर लगाते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है न्यूट्रल तार पे, लाइव तार पे, अर्थ तार पे और लाल तार पे। तो इसमें सीधा सिंपल आप लिख सकते हैं लाइव तार पे, जो मेन लाइन होता है अब उसमें ही हम लोगों स्विच लगाते हैं। ओके, तो इसी तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज करने के लिए रजिस्टर का उपयोग करते हैं, एक अच्छा सुचालक का उपयोग करते हैं, कैपेसिटर को एक पोल अर्थ करके कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट करते हैं, या फिर कैपेसिटर के दोनों पोल को अर्थ, या फिर कैपेसिटर के दोनों पोल अर्थ करते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज करने के लिए दोस्तों कोई भी आपके पास में पेचकस है या टेस्टर या कोई भी माइनस स्टार कुछ भी ऐसा चीज रहने से उसका दोनों पोल सटा के आप इसको कैपेसिटर डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों एक छत के पंखे में सामान्य कौन सा कैपेसिटर प्रयोग होता है, ठीक है। ये आपको चार ऑप्शन दिया गया है, सिरेमिक कैपेसिटर, तेल में डूबा हुआ कैपेसिटर, माइक कैपेसिटर, या उपरोक्त में शो नहीं की गई है, ठीक है। तो इसमें इसका मुझे आंसर नहीं मालूम दोस्तों, अगर आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं। ओके,
फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर या 100 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर में कितना होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि प्लास किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, काटने के लिए, मोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, ठोकने के लिए, नहीं सॉरी दोस्तों इसमें लिखा हुआ है प्लास किस कार्य के लिए प्रयोग ना करें, ये चीज़ आपको दोस्तों हॉल में ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपसे क्या किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी गलती किया आपके सामने में, तो जैसे इसमें लिखा हुआ था कि प्लास किस कार्य के लिए प्रयोग ना करें, ठीक है, तो काटने के लिए, मोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए या ठोकने के लिए, तो आप इसलिए जब हम प्लास से ठोकते हैं वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए प्लास से। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है स्क्रू कसने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करना चाहिए, चाकू, प्लायर, पेचकस या फिर गिलमेट, तो पेचकस हमें तो स्क्रू टाइट करने के लिए पेचकस दरकार पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा आपके सामने में, आपको जिसका आंसर देना पड़ेगा। आप इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो देखने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है 3 टॉपिक पे क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, एक तो पहला सेफ्टी रहेगा, दूसरा आपका टूल्स का लेकर रहेगा, तीसरा जो है आपका पार्ट्स का लेकर रहेगा। आप देख रहे होंगे मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन बताया है सभी इसी से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है ना। इन्हीं तीनों चीज़ को तैयारी कर लीजिए तो आप ज़रूर से पास कर जाइएगा दोस्तों। मैं अभी और भी अपने दोस्तों से कॉन्टेक्ट में हूँ, जैसे ही मुझे कुछ दूसरा प्रोफेशनल जॉब के बारे में मुझे कुछ मालूम चलेगा, मुझे कुछ जानकारी मिलेगा, तो मैं उस पर फिर दूसरा एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है या कुछ आपको मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जरूर से रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।